ब्रो, मैं हूँ राजेश और आज के इस वीडियो में मैं आपको 10 बेहतरीन साउथ इंडियन मूवीज के बारे में बताऊंगा जो आप लोगों को बहुत ही ज्यादा पसंद आएंगे। इन मूवीज में आपको अच्छा खासा लव स्टोरी, अच्छा खासा कॉमेडी, थोड़ा बहुत एक्शन थ्रिलर ड्रामा के साथ एक बहुत ही प्यारा सा स्टोरी कॉन्सेप्ट देखने को मिल जाएगा जो आपके दिल को छू जाएगा। ये सारे मूवीज हिंदी में अवेलेबल है और यूट्यूब पे भी अवेलेबल है, तो अगर आप इन मूवीज के बारे में और ज्यादा जानना या इन मूवीज को देखना चाहते हो तो वीडियो को पूरा देखना और सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर देना। लेट्स स्टार्ट। नंबर 10, श्री करण 2021 में रिलीज एक रोमांटिक ड्रामा मूवी है। स्टार कास्ट में आपको सर्वानंद, प्रियंका, मोहन जैसे और भी कई एक्टर्स देखने को मिल जाएंगे। बात करें मूवी की स्टोरी की तो अपना हीरो कार्तिक, जो कि मतलब एक आईटी प्रोफेशनल होता है, मतलब आईटी कंपनीज में काम करता है, उसका लाइफ अच्छा खासा सेट होता है तब तक जब तक वो गाँव नहीं आता और गाँव में उसे खेती की हालत नहीं पता चलती और वो अपना काम छोड़ के खेती ना करता। उसके बाद क्या होता है आप मूवी में देख लेना। अच्छा खासा मूवी है, 6.6 आउट ऑफ 10 IMDb से मिला है और ये मूवी यूट्यूब पे फ्री में अवेलेबल है। हिंदी में लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। नंबर 9, काकी सताई 2015 में रिलीज एक रोमांटिक एक्शन ड्रामा मूवी है। स्टार कास्ट में आपको शिवा कार्तिकेयन, श्रीदिव्या, विजय राज जैसे और भी कई एक्टर्स देखने को मिल जाएंगे। बात करें मूवी की स्टोरी की तो अपना हीरो जो कि एक पुलिस ऑफिसर होता है और हीरोइन नर्स हीरो हीरोइन को देखता है, अच्छा खासा लव स्टोरी कॉमेडी चल रहा होता है तब तक जब तक हीरोइन को पता ना चलता है कि उनके हॉस्पिटल में ऑर्गन डोनेशन रैकेट चल रहा है और वो हीरो को बताता है। उसके बाद क्या होता है आप मूवी में देख लेना। अच्छा खासा लव स्टोरी कॉमेडी, अच्छा खासा एक्शन देखने को मिल जाएगा। 5.6 आउट ऑफ 10 81% गूगल यूजर्स ने इस मूवी को पसंद किया, तो अगर आप इस मूवी को देखना चाहते हो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। नंबर 8, ओ माय कादुवाले 2020 में रिलीज एक प्योर रोम कॉम ड्रामा मूवी है। स्टार कास्ट में आपको अशोक सेल्वन, ऋतिका सिंह, वाणी भोजन जैसे और भी कई एक्टर्स देखने को मिल जाएंगे। बात करें मूवी की स्टोरी की तो बचपन के दो दोस्त अनु और अर्जुन डिसाइड करते हैं कि एक दूसरे से शादी कर लेंगे। वो कर भी लेते हैं, पर आपको देखना ये है कि आगे कैसे मिस अंडरस्टैंडिंग, मिस कम्युनिकेशन के वजह से उनके शादीशुदा जीवन पे बहुत सारे प्रॉब्लम्स आते हैं और उनका रिलेशन कैसे डिवोर्स तक पहुंच जाता है ये आपको मूवी में देख लेना है। बहुत ही कमाल का मूवी है, तो मैं आपको हाईली रेकमेंड करता हूँ, प्लीज इस मूवी को मिस मत करना। 8.1 आउट ऑफ 10 IMDb से मिला और 97% गूगल यूजर्स ने इस मूवी को पसंद किया है, तो अगर आप इस मूवी को देखना चाहते हो इस मूवी का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जाके देख लेना। नंबर 7, ब्रांड बाबू 2018 में रिलीज एक रोमांटिक कॉमेडी ड्रामा मूवी है। स्टार कास्ट में आपको एसआर रावा, सुमंत और पूजिता जैसे और भी कई एक्टर्स देखने को मिल जाएंगे। बात करें मूवी की स्टोरी की तो अपना हीरो जो कि एक मतलब रईच फैमिली से होता है, उसके पिता उसके लिए हर चीज ब्रांडेड चाहते हैं, पर आपको देखना यह है कि कैसे वो बड़ा होता है और उसके पिता उसके लिए होम मिनिस्टर की बेटी को चूज करते हैं शादी के लिए, पर आपको आगे देखना है कि कैसे उसे एक मेड से प्यार हो जाता है और आगे जो जो होता है आप मूवी में देख लेना। बहुत ही कमाल का मूवी है। 5.2 आउट ऑफ 10 IMDb से 86% गूगल यूजर्स ने इस मूवी को पसंद किया। मूवी सेम प्रेक्षक हिंदी में यूट्यूब पर प्रीमियर अवेलेबल है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। नंबर 6, ओ माय फ्रेंड 2011 में रिलीज एक प्योर रोमांटिक कॉमेडी ड्रामा मूवी है। स्टार कास्ट में आपको सिद्धार्थ, श्रुति हासन, हंसिका मतवानी, नवदीप जैसे और भी कई एक्टर्स देखने को मिल जाएंगे। बात करें मूवी की स्टोरी की तो बचपन के दो दोस्त श्रीधर और श्री जो कि लड़का और लड़की होते हैं, दोनों मतलब बहुत ही पक्के वाले दोस्त होते हैं, बड़े होते हैं साथ साथ, उनका लाइफ बहुत ही अच्छे खासा स्मूथली चल रहा होता है तब तक जब तक उन दोनों को प्यार ना होता, उन दोनों के प्यार में एक दूसरे का फ्रेंडशिप ना आ जाता। और आपको देखना यह है कि इस मूवी में क्या एक लड़का और एक लड़की सिर्फ अच्छे दोस्त नहीं हो सकते, ये आपको मूवी में देख लेना। मैं आपको हाईली रेकमेंड करूंगा, इस मूवी को देखो यार, बहुत ही कमाल का मूवी है। 6.5 आउट ऑफ 10 IMDb से 85% गूगल यूजर्स ने इस मूवी को पसंद किया है, तो अगर आप इस मूवी को देखना चाहते हो ये मूवी सेम ट्रेलर के साथ हिंदी में यूट्यूब पर फ्री में अवेलेबल है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। नंबर 5, हृदयम 2022 में रिलीज एक प्योर रोमांटिक कॉमेडी ड्रामा मूवी है। स्टार कास्ट में आपको कल्याणी, प्रियदर्शन, प्रणव मोहलर, दर्शना जैसे और भी कई एक्टर देखने को मिल जाएंगे। बात करें मूवी की स्टोरी की तो इस मूवी में पूरा का पूरा इंजीनियरिंग लाइफ दिखाया गया है, कैसे एक लड़का इंजीनियरिंग करने आता है, वो अपने दोस्त बनाता है, उसका लाइफ 4 साल कैसे करता है, और उसके बाद जैसे वो इंजीनियरिंग खत्म करके जाता है वो अपने लाइफ का मीनिंग मतलब समझता है कि इंजीनियरिंग लाइफ ने उसे क्या क्या सिखाया है। बहुत ही कमाल का मूवी है। अगर आप साइंस बैकग्राउंड, इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से जुड़े हुए हो इस मूवी को देखो, बहुत ज्यादा मोटिवेट हो गए इस मूवी से। 8.1 आउट ऑफ 10 IMDb से 95% गूगल यूजर्स ने इस मूवी को पसंद किया है, तो अगर आप इस मूवी को देखना चाहते हो ये मूवी ऑन ऑफिशियली यूट्यूब पे अवेलेबल है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। नंबर 4, राजा विक्रमर का 2021 में रिलीज हुई एक रोमांटिक एक्शन ड्रामा मूवी है। स्टार कास्ट में आपको कार्तिक, तनय और सुधाकर जैसे और भी कई एक्टर देखने को मिल जाएंगे। बात करें मूवी की स्टोरी की तो अपना हीरो जो कि एक NIA एजेंट होता है, नाम विक्रम होता है, वो एक बार होम मिनिस्टर को कुछ गुंडों से मतलब गैंगस्टरों से बचा लेता है और उसके बाद कैसे उसका लाइफ बदल जाता है ये आपको मूवी में देख लेना है। बहुत ही अच्छा खासा एक्शन देखने को मिल जाएगा, अच्छा खासा रोमांस देखने को मिल जाएगा, थोड़ा बहुत कॉमेडी भी देखने को मिल जाएगा। 7 out of 10 IMDb से मिला है, अच्छा मूवी है। ये मूवी ऑन ऑफिशियली हिंदी में यूट्यूब पर अवेलेबल है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। नंबर 3, कन्नुम कन्नुम कोलायधिथल 2020 में रिलीज
एक रोमांटिक थ्रिलर ड्रामा मूवी है। स्टार कास्ट में आपको रितु वर्मा, रक्षन, दुलकर सलमान जैसे और भी कई एक्टर्स देखने को मिल जाएंगे। बात करें मूवी की स्टोरी की तो हीरो और उसके दोस्त जो कि फ्रॉडस्टर होते हैं, मतलब ऑनलाइन शॉपिंग में स्कैम करके अपने लाइफ अच्छे खासे जी रहे होते हैं, तब तक जब तक उन दोनों को प्यार ना होता और फिर भी उनका लाइफ अच्छा खासा चल रहा होता है, तब तक जब तक इंटरवल ना आता। और इंटरवल पे आपको कुछ ऐसा पता चलेगा आप शॉक्ड रह जाओगे, वो क्या है आप मूवी में देख लेना। 7.7 out of 10 IMDb से 92% गूगल यूजर्स ने इस मूवी को पसंद किया है। मूवी सेम टाइटल के साथ यूट्यूब पर अवेलेबल है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। नंबर 2 सरकारू वारीपाटा 2022 में रिलीज हुई एक रोमांटिक एक्शन कॉमेडी ड्रामा मूवी है। स्टार कास्ट में आपको मोहेश बाबू, कीर्ति सुरेश जैसे और भी कई एक्टर्स देखने को मिल जाएंगे। बात करें मूवी की स्टोरी की तो एक बैंक मैनेजर को एक काम दिया जाता है कि एक गवर्नमेंट से फ्रॉड करने वाले को मतलब बचाना है, ऐसा ही कुछ। इसके बावजूद भी इस मूवी में आपको अच्छा खासा लव स्टोरी कॉमेडी भर भर के देखने को मिल जाएगा। पर पिछली बार मैंने इस मूवी के बारे में बताया था वो मतलब हॉल फ्रीन डब्ड में था, और इस बार ये मूवी HD डब्ड में है, जाके देख लेना। ऑन ऑफिशियली है तो कैसे भी करके देख लेना, नहीं तो लिंक भी डिस्क्रिप्शन में मिल भी जाएगा। 6.1 out of 10 IMDb से 89% गूगल यूजर्स ने इस मूवी को पसंद किया। तो अगर आप इस मूवी को देखना चाहते हो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जल्दी जाके देख लेना, ऑन ऑफिशियली अवेलेबल है। नंबर 1777 चार्ली 2022 में रिलीज हुई एक एडवेंचर ड्रामा मूवी है। स्टार कास्ट में आपको रक्षित शेट्टी, संगीता और राज वी शेट्टी जैसे और भी कई एक्टर्स देखने को मिल जाएंगे। बात करें मूवी की स्टोरी की तो एक इंसान और एक जानवर के बीच कुत्ते के बीच क्या क्या रिलेशन हो सकते हैं और रिलेशन कितना इमोशनल और कितना डीप हो सकते हैं, एक लोनलीनेस मतलब आदमी को कैसे कुत्ता मतलब बहुत पूरी तरह से बदल देता है, आपको मूवी में देख लेना। मैं आपको हाईली रिकमेंड करता हूँ इस मूवी को देखो, प्लीज जाके देखो। और आपको ये मूवी अपने नजदीकी सिनेमा हॉल में जाके ही देखना है तो फील कर पाओगे अच्छी तरीके से, हाईली रिकमेंड करता हूँ देखो यार, नहीं तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल ही जाएगा। तो वीडियो पूरा देखने के लिए शुक्रिया, वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर देना, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना, कुछ अच्छा सा कॉमेंट कर देना, और भाई प्लीज सब्सक्राइब कर ही लेना यार प्लीज।